सारे सारे सिनेरियो के बाद फिर जो से ऐसी है बात वो नहीं। नतीजा ये हुआ कि अब लोग कहते हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी हाँ नहीं, उनको सोचने पे कोई वो नहीं। पाबंदी नहीं है। हर पार्टी को तो अपनी हर पार्टी को ये हल है, कोई ये इख्तियार है और कि वो सोचें और अपने लिए ऐसे ही सोचें। लेकिन बेसिकली उनके पास जो प्रोडक्ट है वो नेमतुल्ला साहब का प्रोडक्ट है जिसको वो बेचते हैं, जमात इस्लामी के सही दोस्त हमारे। अच्छा, नेमतुल्ला साहब के मेरे मुझसे पहले नेमतुल्ला साहब के मेरे जमाने में, तो मैंने पूरे 5 सालों तक नेमतुल्ला साहब के ऊपर, अपने प्रेडिसेसर के ऊपर जब मैं मेयर बना, तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं उनके लिए एक लफ्ज भी नहीं बोलूं पॉलिटिकली भी। और वैसे मैंने कहा एक नई नई रिवायत कायम करते हैं कि मैं हर कोई जाने वाले को बुरा कहता है, तो मैंने ये रिवायत डाली कि कुछ भी हो जाए मैंने 5 सालों में इनके लिए कुछ नहीं बोलना। और ये वजह हुई कि आप मेरा कोई रिकॉर्ड पे एक बयान नेमतुल्ला अच्छा साहब, एक बयान रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड एक बयान, एक स्टेटमेंट कोई नहीं ला सकते आप। मैंने कोई मुझसे 10 दफा पूछा गया होगा कि भाई आपके आप ये बात कर रहे हैं, आपके फलां मेयर तो ये करके गए। और मेरे पास अच्छा, जब आप इदारे में चले जाते हैं तो आपके पास 10 चीजें होती हैं ना बताने के लिए, लेकिन मैंने एक लफ्ज नहीं कहा, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और तो आज भी मैं नहीं कहता उनके बारे में। लेकिन जमात इस्लामी की जो आप बात करें, जमात इस्लामी के पास प्रोडक्ट नेमतुल्ला साहब की है। अब इशू ये है कि भाई नेमतुल्ला साहब को तो इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत जगाता फरमाए। नेमतुल्ला साहब की रूह जो है ना वो किसी और में जा नहीं सकती, वो तो नेमतुल्ला साहब के साथ चली गई। तो जिंदा लोगों में ना अभी तो मुस्तफा कमाल ही जिंदा है जिसके हाथों से ये कराची बना था। और नेमतुल्ला साहब का अगर कोई काम के काम को कोई अगर मार्केट कर रहा है तो नेमतुल्ला साहब तो नहीं है। और उसके बाद जो काम हुआ, अच्छा फिर नेमतुल्ला साहब के कामों में और मेरे कामों में इसलिए कि जमीन आसमान का फर्क है। आई मीन 3 महीनों के भाई, जो लोग अभी ये कहते हैं कि भाई ये हमारे जमाने का काम है, मेरे उनका काम है, तो जिस जमाने में उसकी इनॉग्रेशन कर रहा था तो उस वक्त तो किसी ने आकर इसको क्लेम नहीं किया। मेरे 52 महीनों में 2160 प्रोजेक्ट्स किए मैंने, 2160 प्रोजेक्ट्स, और ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं सारे। तो उस वक्त तो कोई ये क्लेम नहीं कर रहा था मेरे सामने आकर, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैंने बहुत सारी कई वीडियोस मेरे नजरों से गुजरी हैं, तो आप फर्ज करें एक वीडियो में नेमतुल्ला साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि मैंने 3 अंडरपासेस फ्लाईओवर शुरू करवाए, तो मैंने तो 36 अंडरपासेस फ्लाईओवर बनाए, 15,000 किलोमीटर 5,500 किलोमीटर की रोड बनाई, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हर पार्टी को यह हक है कि वो बताए कि हल उसके पास है। मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल आखिरी दफा तो कराची हमारे हाथों से बना था, और हम इस कराची को वही है, और हम इस कराची को बना सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं।